हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रद्युम। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर एंट्री। तो सबसे पहले हम जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल्स में, सेटअप मॉड्यूल में जाएंगे, सर्वर सर्वर्स में जाएंगे। उसके बाद ऐड सर्वर कोड डाल देंगे, कोई भी कोड डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी अवेलेबल हो। तो लाइक हम 1920 54 21 ही ले लेते हैं। नेम डाल दिया अमित, शॉर्ट नेम में जो भी, अगर इनके पास एम्प्लॉय कोड है तो उनका एम्प्लॉय कोड भी डाल सकते हैं। सेव कर देंगे, सेम। उसके बाद आता है हमारा सर्वर आउटलेट, सर्वर आउटलेट मैपिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर सर्वर डिफाइन कर सकते हैं कि इस आउटलेट के लिए कौन सा सर्वर है। लाइक हमारे यहाँ 5 आउटलेट, तो हम सबसे पहले सर्वर कोड सेलेक्ट करेंगे। लाइक हमने मनीष को, अशोक को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम देखेंगे अशोक किस आउटलेट में काम कर रहा है, बीएलसी में काम कर रहा है, बैंकेट में काम कर रहा है। लाइक हमारा आईआरडी में काम कर रहा है, तो हम उसको आईआरडी से मैप कर देंगे। तो भी है आईआरडी में ही शो करेगा, उसके बाद कहीं शो नहीं करेगा। लाइक कोई हमने और सर्वर लिया, सर्वर ले लिया, उसके बाद हमें पता चला ये मिनी बार में काम किया, तो हमने ऑलरेडी मैपिंग किया हुआ है, तो MNB पे ऑलरेडी टिक हो गया है इसको। उसके बाद हमारा लाइक आदित्य, आदित्य हमारा इनमें चारों में काम कर रहा है, मल्टी टैलेंटेड है भाई, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते। अभी जो हमने लाइक अमित कुमार क्रिएट किया हुआ था, उसके बाद हमने इनको MNB में आ रहा है, तो हम उसको किस में आउटलेट पर लिंक करना है, अभी किस में काम कर रहा है ये, लाइक अर्बन UDC में काम कर रहा है, तो हम उसको UDC पे मैप कर देंगे। उसके बाद हम चेक भी कर सकते हैं कि ये UDC में आ रहा है या नहीं, तो ऑर्डर एंट्री में जाएंगे, अर्बन डेक हमने ओपन किया, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अमित कुमार हमने जो अभी मैप किया हुआ था वही आ रहा है, जो हमने आउटलेट मैप किया वही आ रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं आ रहा है। तो आउटलेट मैपिंग का ये सर्वर मैपिंग का ये फ़ायदा है। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपको कोई एनी क्वेरी हो रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।